जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों, आज 16 अप्रैल को कुछ अखबारों की कटिंग वायरल हो रही है और उन अखबारों की कटिंग में इस बात का जिक्र किया जा रहा कि केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने आंदोलन को खत्म करने की जिम्मेदारी हरियाणा की खट्टर सरकार को सौंप दी है और इसके तहत पुलिस के सहारे, अर्धसैनिक बलों के सहारे और डंडों के सहारे और फोर्स को यूज करके और किसानों को जबरन उठाया जाएगा और इस ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है ऑपरेशन क्लीन। लेकिन साथियों, कोरोना का जिक्र किया जा रहा है, अगर बीजेपी वाले रैली करें तो कोरोना नहीं है, अगर किसान आंदोलन करें तो फिर कोरोना बीच में आ जाता है, ऐसी चीजें चल रही। लेकिन हम ये स्पष्ट कर दें कि आंदोलन अंतिम समय तक चलेगा और बिल वापसी पर ही घर वापसी होगी, एमएसपी का कानून मिलेगा तो ही किसान घर लौट करके जाएगा, नहीं तो हमारी लाशें जाएंगी, हम लौट करके नहीं जाएंगे। और आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से, आंदोलन संविधान के अधिकार के तहत चल रहा। ये सरकार जो लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, जो सरकार संविधान को ताक पर रख करके और आंदोलन को खत्म करना चाहती है, ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये जो हरियाणा की सरकार है, ये केंद्र सरकार की गेलड़ सरकार है। हम इस सरकार की इन घटिया हरकतों की निंदा करते हैं और आप सबसे ये अपील करते हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ आंदोलन चल रहा। और मेरी सभी किसान भाइयों से, सभी युवा साथियों से, माताओं बहनों से, सभी देशवासियों से ये अपील और प्रार्थना है, एक तरफ खेती का काम चल रहा और दूसरी तरफ सरकार घटिया हरकतों पर उतर रही, आप अपने काम के साथ साथ व्यवस्था बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा लोग बॉर्डरों के ऊपर पहुंचे, टिकरी बॉर्डर पर आए, सिंगू बॉर्डर पे आए, गाजीपुर बॉर्डर पे आए, ढासा बॉर्डर पे आए, साजापुर बॉर्डर के ऊपर आए और आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार गलत मंशा से काम कर रही है, लेकिन हम एक इंच भी पीछे हटने वाले किसी भी कीमत पर नहीं है। पिछले हफ्ते 10 दिन में कोरोना की आड़ लेकर के अलग अलग तरीके से देश में काम किया जा रहा है, आंदोलन को दबाने के लिए अनेक साजिशें रची जा रही हैं, टोलों के ऊपर जबरन पुलिस फोर्स लगा करके और डराने का काम किया जा रहा है, और कभी सिंगू बॉर्डर पे आगजनी होती है तो कभी गुंडागर्दी टिकरी बॉर्डर पर होती है तो कभी गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर गुंडागर्दी करने का काम किया जाता है। मेरी सबसे अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बॉर्डरों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और जो सरकार हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहती है, उस हरियाणा की खट्टर सरकार को हम स्पष्ट कर दें कि आंदोलन तो नहीं टूटेगा, अगर जबरदस्ती की गई तो सरकार की कमर जरूर ये किसान तोड़ के रख देंगे, हम एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है और मजबूत रहे, आंदोलन मजबूत है और ये जन आंदोलन बन चुका है, ये ऐतिहासिक आंदोलन है और अब तो ये देश को बचाने का और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का आंदोलन बढ़ चुका, पूरी मजबूती के साथ लड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।